बेटा, ये जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, सरकमफेरेंस इज डिनोटेड बाय बेटा पाए, सॉरी सी बेटा, एंड सरकमफेरेंस इज बेटा इज इक्वल टू बेटा 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का क्या बनेगा बेटा? 2 पाई आर, ये ध्यान में रखना है बेटा, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस का आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 पाई आर, ठीक है। और अभी आपको क्या करना होता है बेटा, इसका एरिया निकालना होता है। ये सर्कल है बेटा, और इसके बीच में देखो, इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? ये जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा सेक्टर होता है। क्या होता है? सेक्टर। और सर्कल के अंदर का एरिया हमें निकालना पड़ता है, डिजाइनिंग का एरिया हमें निकालना पड़ता है बेटा, ये ध्यान में रखो। सिंपल एग्जाम्पल है, तो बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है ना क्लियर? गौरव दिखाई दे रहा है क्या अभी? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ओम घर से हाँ सर आपकी आवाज गूंज रही नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स का आवाज क्लियर आ रही है, सुनाई दे रही है? प्रेम प्रेम वगैरह को देखो एक बार, सर। आ रही है ना? चलो आप देखो बेटा, इधर एक क्वेश्चन है बेटा, सुनो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, रेडाई ऑफ बेटा 2 सर्कल, यानी 2 सर्कल की रे। हाँ बेटा, अरे रेडाई ऑफ 2 सर्कल आर बेटा 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। ये ध्यान में रखो, 2 सर्कल है, मैं दोनों सर्कल को बता लेता हूँ बेटा। एक ये सर्कल और एक ये सर्कल है, तो एक सर्कल की जो रेडियस है वो बड़ी है थोड़ी बेटा, मान लो इस तरह हम लेंगे इसको 19 सेंटीमीटर, और ये एक है 9 सेंटीमीटर। यहाँ बताया गया कि द बिगेस्ट सर्कल 2 सर्कल, इसकी 19 सेंटीमीटर है, इसकी 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। उन दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसा है? इक्वल है। तो आपको क्या करना है देखो बेटा, आर वन हमारे पास में जाएगा रेडियस वन, मान लो ये रेडियस वन है, ये रेडियस टू है, तो रेडियस वन हमारे पास में मान लो, तो एक काम करो, इसको रेडियस वन मान लो छोटी को, इसे रेडियस टू मान लो, ठीक है। क्या करना है, दोनों को रेडियस मान लिया बेटा। रेडियस वन कितनी मान लो हमारे अंदर 9 सेंटीमीटर, एंड रेडियस टू इज इक्वल टू बेटा 19 सेंटीमीटर। ओके, ये ध्यान रखना है। और पूछा गया क्या, इनको अगर सर्कल हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल, अगर उनके सर्कमफेरेंस को हम इक्वल करते हैं और उनके सर्कमफेरेंस का सम करते, वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा? तो सबसे बड़ी बात बेटा, हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लेंगे दोनों सर्कल के लिए। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला इधर भी लिख दो बेटा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्या करना है आपने ध्यान में रखना है बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ बेटा स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर कौन है? आर वन, तो उसको हम लेंगे बेटा ये आर वन, और इसको लेंगे बेटा हम आर टू, यानी ये स्मॉल हो जाएगा और बिग सर्कल। ये 2 सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, तो हमें यहाँ पर राइट करूंगा सी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू में 22/7 लेने के लिए बोले, चले नहीं तो फिर पाई रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू आर वन कितना है? आर वन हमारे उसमें 9 है, ये हो जाएगा 9 × 18, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया? 18 पाई। कितना हो गया? 18 पाई। आप देखो यहाँ पर सर्कमफेरेंस इक्वल 2 × पाई के लिए बेटा 22/7 इंटू रेडियस टू कितना है? रेडियस है हमारे उसमें 19। ओके, या तो एक काम करो, ये जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू मत पुट करो, बाद में पुट करेंगे हम लास्ट में। इंटू आर टू कितना है बेटा? 19। 19 × 38, सर्कमफेरेंस कितना होगा? 38 पाई। इतना समझ में आया क्या आपके? 2 सर्कल का हमने सर्कमफेरेंस फॉर्मूला यूज किए, छोटे वाले सर्कल का और बड़े वाले सर्कल का। अभी उन्होंने क्या बोले बेटा सुनो, हाँ क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, यानी दोनों सर्कल को अगर हमने एक कर दिए तो उनका सर्कमफेरेंस क्या आएगा, यानी उसका बोले मतलब बेटा ऐसा लिखो, सरकम फेरस
ऑफ रिक्वायर्ड सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, सम ऑफ सर्कमफेरेंस, शॉर्टकट में लिखा सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। ओके, ये इसको इक्वल बताया उन्होंने बेटा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हाईलाइट्स बता रहा हूँ, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल बीच एज द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। तो सबसे पहले आप एक काम करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, इतने जगहों पर हमने क्या पुट कर दिए, टू पाई आर इज इक्वल टू सम ऑफ बेटा सर्कल ऑफ द टू सर्कल यानी उनके सर्कमफेरेंस का ये। तो पहला कितना निकला हमारा सर्कमफेरेंस, टू सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है बेटा, पहले 18 पाए प्लस बाद में कितना आया 38 पाए, ये दो 38 पाए। अब क्या करेंगे देखो, ये 2 पाई आर इज इट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 18 प्लस 38 कितने होते 56, कितना था बेटा 56 पाए। ओके, ये 2 को नीचे भेज दो बेटा, ये देखो अब एक काम करेंगे, आर को इधर अंदर, ये 2 पाई को इधर भेज दो नीचे, आर इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई। ओके, ये पाई पाई गया, बचा कितना, रेडियस इज इक्वल टू 56 अपॉन 2, तो उससे अगर 56 को आप करें बेटा रेडियस इज इक्वल टू कितना आएगा 28। अगर इन दोनों की रेडियस को अगर हमने एक करें, देखो एक करें रेडियस तो कितनी हो रही 19 प्लस 9 28। ओके, आया क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर, अभी दिख रहा है कि बाकी के स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि बता, जूम वाले दोनों एट ए टाइम चला रहा हूँ बेटा मैं, कैस ये विवेक दिख रहा है क्या, गौरव सर दिख रहा है पर आपकी आवाज गुड, चलो ठीक है आवाज को बाद में देख लेंगे, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पर देखो दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, मैं रिकॉर्डिंग शुरू है बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। आपने क्या करना है सुनो, यहां पर आपसे पूछा गया क्या, अब रेडियस ऑफ द टू सर्कल 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द इक्वल एरिया, पहले क्या सर्कमफेरेंस पूछा गया था। तो आप देखो बेटा इसमें क्या करना है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल हम लेंगे, रेडियस वन बताओ कितना लू 8 सेंटीमीटर लो, और रेडियस टू कितना लेंगे 6 सेंटीमीटर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं आपको। ओके, रिक्वायर्ड रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा पहले क्वेश्चन में क्या था, ऐसा निकालना है हमें, है ना, और इनको इस तरह सेम ऐसा करना है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है पता है क्या, इसमें सर्कमफेरेंस पूछा गया था, क्या पूछा गया था सर्कमफेरेंस, हाँ इसमें क्या पूछा गया बेटा एरिया पूछा गया, क्या पूछा गया एरिया। अब इसमें क्या करना है सुनो, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू चलेंगे हम बेटा सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल, एरिया ऑफ बोथ सर्कल। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखो बेटा, पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और यहां लेंगे बेटा एरिया ऑफ बिग सर्कल, चलेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल। देखो इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा पूछा जाए ना बेटा, जो आर जो छोटा रहा वो छोटा लेने का, जो बड़ा है बड़ा, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर वन। ओके, और इसका भी लो बेटा पाई आर, एक काम करो ये स्मॉल है ना, स्मॉल के लिए कितना है बेटा हमारे में 2 है, कितना है 2 है, और बड़े के लिए क्या 1 है बेटा, ठीक है। देखो आर आर वन का मतलब क्या हो रहा है, इधर देखो
आर वन ही आठ है, आर वन का मतलब होता है बड़ा, यानी ये एट बड़े बेटा, सिक्स छोटे है इसलिए बेटा ये आर टू, ठीक है इसका स्क्वायर। अब वैल्यू पाई को एक काम करो, पाई को इसी रहने दो, और पाई को मैं हाथ लगा तो बेटा पाई इन ब्रैकेट आर, आर कितना है, आर टू कितना है, सिक्स, सिक्स का स्क्वायर लो बेटा, कितना आएगा इसका आंसर, आर ये हो गया बेटा 36, कितना हो गया 36 पाई, समझ में आया। अब इसका बताओ कितना आएगा बेटा, ये पाई एज इट इज, आर वन कितना है एट, एट का स्क्वायर कितना हो गया पाई 64, कितना जाएगा स्टूडेंट 64 पाई। अब ये एरिया तो निकल गया, एरिया निकल गया, अब क्या करना है इसका देखो, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल, पहले सर्कल का एरिया कितना आया 36 पाई, दूसरे सर्कल का कितना आया 64 पाई। देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 36 और 64 100 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 100 पाई, आप जानते हो ये पाई पाई गया, बचा कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर को उधर सेंड कर दो, स्क्वायर को उधर सेंड कर दो, अंडर रूट 100 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो बेटा रिक्वायर्ड रेडियस कितनी हो जाएंगी सर्कल की 10 हो जाएंगे। ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम थे, समझ में आया क्या आपके, ये टू क्वेश्चन सेम टू सेम थे आपके लिए, ये ध्यान में रखना। स्क्रीनशॉट लिया इसका, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर का, इसको मैं बाद में लूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा ही है, और नॉर्मली इसमें क्या करना पड़ता है बताइए क्या, बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ता है, इसको मैं टुमारो वगैरह लूंगा। अब मैं ये फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान में देखो, ये क्वेश्चन को आई एम पी करो बेटा, द व्हील ऑफ कार आर डायमीटर, सुनो बेटा अरे क्वेश्चन कितना बड़ा है पहले सुन लो, देखो व्हील ऑफ डायमीटर, व्हील ऑफ द कार आर डायमीटर, एक गाड़ी का टायर है, जैसे गाड़ी का टायर है स्टूडेंट, ठीक है ये टायर है बेटा, उसकी जो डायमीटर है कितनी है बताए, डायमीटर आपको दी गई बेटा इसमें 80 सेंटीमीटर, कितनी दी गई बेटा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएंगी स्टूडेंट, डायमीटर इज बेटा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएंगी 40 सेंटीमीटर, ओके 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई डायमीटर आ गई। यहाँ पूछा गया आप आगे सुनो, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज द ईच व्हील मेक द 10 मिनट, यानी अगर ये टायर घूमता रहा तो 10 मिनट में कितने राउंड मारेगा, 10 मिनट में ऐसे कितने राउंड मारेगा ये निकालना है हमें, कितने मिनट में बेटा 10 मिनट में, तो आपको पता है अगर टायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो टायर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ऐसे स्टार्ट होके यहाँ पर आ रहा है, ये ध्यान रखना है अपने, अगर ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो बेटा ध्यान में रखो उसमें सरकमफेरेंस होगा, क्या हो गया सरकमफेरेंस। आप मुझे बताओ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर बाय वन रिवॉल्यूशन, मान लो टायर यहाँ से घुमा, यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पर आ गया, तो उसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन, और यहाँ से पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं बेटा मैथ की भाषा में सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितना जाएगा सी टू पाए आर, जिसकी जो हम बेटा डिस्टेंस बिटवीन द वन रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं वन रिवॉल्यूशन। तो बेटा आप इसको क्या करना है, टू इंटू पाई को ऐसी लिखो, आर कितना आ गया 40, 42 का कितना हो गया 80 पाई, कितना हो गया 80 पाई, तो सरकमफेरेंस हमारे पास में 80 पाई। आगे चलो, आप जानते हो स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा स्पीड का फॉर्मूला, एनीवन टेल मी बेटा स्पीड फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया गया, सुनो बेटा यहाँ पर 10 मिनट के बारे में बताया गया, और यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर, ओके यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर बताया गया, यहाँ पर 10 मिनट बताया गया, तो आप क्या करोगे इधर देखो, पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखो आप, यस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, शॉर्ट कट लिखना, ठीक है ये ध्यान रखना है।
आप पहले मैं ये फॉर्मूले को यूज करने से पहले थोड़ा नीचे देखो बेटा, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पीड हमें कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया? तो आप देखो टाइम, टाइम इज इक्वल बेटा 10 मिनट, टाइम कितना है 10 मिनट, आप 10 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, काय में करना है क्योंकि यहाँ पर आवर आए भाई, तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 अपॉन बेटा 60 करना पड़ेगा, ये 60 क्यों करना पड़ेगा, 60 मिनट यानी बेटा कितना हो रहा है 1 आवर, ये कर गया बेटा 10 वन 10 10 6 60 तो कितना गया 1 बाय 6 आवर, कितना गया 1 बाय 6 आवर। प्रशांत आया क्या, प्रशांत और प्रशांत? यस सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, अभी देखो ना यहाँ पर क्या हो गया, ये टाइम भी आ गया हमारे, 1/6 कैसा ओवर लिखा हमने, समझ में आया क्या? चलो बताओ स्पीड कितनी थी अभी, स्पीड कितनी थी 66 किलोमीटर पर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर करना था हमें, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को इजी लिखो, टाइम कितना निकला बेटा हमारा, टाइम अभी 1/6 हो गया। अब क्या करना है सुनो बेटा, अभी ये जो डिस्टेंस है ये मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा इधर, तो कैसे हो जाएगा 66 × 1/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये ध्यान में रखो, ये 6 से बेटा ये कट गया, कितना बचा 11, कितना गया 11, 11 वन था बेटा 11, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास में, डिस्टेंस आ गया 11 किलोमीटर। ये तो समझ में आया क्या? डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो मुझे बताओ सेंटीमीटर में डायमीटर है, ऊपर देखो डायमीटर सेंटीमीटर में, एक किलोमीटर में, चलो आप इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, हाँ आप ध्यान दो कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, देखो डिस्टेंस आ गया हमारे पास में स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आ गया 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो ये हो जाए बेटा 11000 मीटर, ओके ये ध्यान में है। अब आप जानते हो ये 11000 अगर मीटर हो रहा है तो एक मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बराबर है, इसको लिख दो सेंटीमीटर में, ये जो मेरा 11 कितने जीरो के 1 2 3 4 5 5 0 लगा लो, 1 2 3 4 5 ये हो गया बेटा सेंटीमीटर में, मैंने कैसे ट्रांसफर किया समझ में आया क्या? हाँ टेक द स्क्रीनशॉट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 66 किलोमीटर और में बेटा कितने रिवॉल्यूशन करता है 10 मिनट में, आपने लिए स्क्रीनशॉट लिए क्या? Yes. अब देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ बेटा मैं, वेन कार, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया लास्ट में, देखो 10 मिनट वेन द कार ट्रैवलिंग द स्पीड बेटा 66 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में अगर 66 किलोमीटर जाती है तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे ये निकलना है, तो यहाँ पर लिखना है अपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर मारना टायर में, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस, यहाँ क्या होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पर लेंगे बेटा डिस्टेंस कवर बाय वन रिवॉल्यूशन, ये डिस्टेंस कवर बाय वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो अभी क्या करना है हमारा, डिस्टेंस कितना आया नीचे देखो, डिस्टेंस कितना आ गया सेंटीमीटर में, 11 5 × 0 ओके अपॉन वन रिवॉल्यूशन का कितना आया था आपको याद है, हमने पहले निकाले थे देखो बेटा 80 पाई, कितना पाई बेटा, सॉरी वन मिनट बेटा वन मिनट रुक जाओ, कितना आया था और एक बार देखो 80 पाई, यस करेक्ट, देखो 80 पाई दिख रहा है आपको, सर्कमफेरेंस रिवॉल्यूशन, यस सर्कमफेरेंस का मतलब रिवॉल्यूशन बेटा 80 पाई, आप जानते हो ये जीरो गया ये एक जीरो गया, बचा कितना बेटा 11 4 × 0 अपॉन 8 × π की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, तो ये 7 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझ में आया, देखो कितना बेटा 11000 अपॉन बेटा 8 × 22 × बेटा ये 7 ऊपर चलेगा रेसिप्रोकल में, आप जानते हो
हम इसको कट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान में रखना इसको कट करने के बाद में कितना हो रहा है, ये सारा कट कर लेंगे हम, डिवीजन कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर मिल जाएगा बेटा। आप करके देखो इसको, 8 से डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करो, 4375 रिवॉल्यूशन होंगे बेटा 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर बेटा कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे? 4375 रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट बेटा 10 मिनट। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yeah.